आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, ये है पीएन जंक्शन, यही आपके डायोड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें फटाफट कर लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, अगर आप कोई हार्ड एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो, ठीक है। नेट में भी आता है, बीजेटी या फेट का कोई एक न्यूमेरिकल तो आता ही है, एक से दो न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया है, द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड इन द सर्किट, ओके, गिवन बिलो आर, ये आपका सर्किट है। तो करंट इन द सर्किट पूछा, मतलब आपसे ये आई की वैल्यू पूछी है। अब आप क्या कर सकते हैं, बाय केवीएल इन द सर्किट, आपके पास क्या होगा, -10, ठीक है, ये करंट यहां भी फ्लो कर रही है, प्लस आई इंटू 1K प्लस वी इक्वल टू 0, यही होगा ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 10 -1000, क्योंकि 1 किलो में 1000 ओम होते हैं, आई माइनस वी इक्वल टू 0। अब देखिए, ये इनपुट वोल्टेज है और डायोड का जो कंडक्शन वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, अगर मैं मानू कि सिलिकॉन डायोड है। सर्किट कैसे हो, दिस इज योर 1K ओम एंड दिस इज द डायोड एंड इट इज शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट होगा और यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, यही होगा ना। अब जब इसकी कट इन वोल्टेज 0.7 होगी, जब वी इनपुट विल बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, ओनली व्हेन देन द डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग एंड द करंट विल फ्लो थ्रू द डायोड। अब आई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू 10 -V/1000, यही हो गया ना, यही होगा। अब आप इस चीज को और कैसे लिख सकते हैं, देखिए, वी की वैल्यू मैं 0.7 भी लिख सकती हूँ, दिस वी इज 0.7, ठीक है। अगर मैं यहाँ, देखिए आपको क्वेश्चन में भी तो दिया है ना, एक्चुअली आपको ये भी तो दिया है, व्हेन वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट, तो आई की वैल्यू ये है, तो दैट मींस कि आपको यहाँ से अभी इक्वेशन नहीं निकालनी है। आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिए, ये जो इक्वेशन थी ये सेकेंड मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ आई, तो कैसे आएगा, 10 -1000, आई की वैल्यू क्या दी है, वी -0.7/500, तो ये कितनी हो जाएगी, v -0.7/500 -v इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा, तो 10 -2v प्लस 1.4 -v इक्वल टू 0, तो 10 + 1.4 आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11.4 हो गया, इज इक्वल टू 3v, ठीक है। अब आप देखिए, v की वैल्यू हो जाएगी 11.4/3, ठीक है, which implies V is equal to 3, 3 जा 9, 3.8, okay? जब ये 3.8 वोल्ट हो जाएगा तो सो I is equal to कितना हो जाएगा, I is equal to, अब आप by equation 2 देखिए, जो ऊपर की equation है, V minus 0.7 by 100, 500, तो ये value हो जाएगी V minus 0.7 by 500, तो V की value 3.8 minus 0.7 by 500, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0.1, 3.1 बाय इतनी होगी ना, बाय 500। अब इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आएगा ये, 5, 6 जा 30, मतलब समथिंग 6.2 mA, तो आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इज, देखिए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन दैट मींस पी एन प्लस माइनस एनोड कैथोड, ठीक है। फॉरवर्ड बायस मतलब कि दिस पी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज फॉरवर्ड बायस। सो दिस ओनली द डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग, शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तभी तो कंडक्ट करेगा। अब आप देखिए, ये फॉरवर्ड बायस में ही है, अब चाहे बैटरी वोल्टेज आप कम लगाइए या ज्यादा लगाइए, पर वो डायोड वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। इन अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस व्हाइल द करंट हैज टू फ्लो, ये होता है, एक होता है आपका, इट इज ड्यू टू करंट फ्लोज ड्यू टू डिफ्यूजन, एक तो डिफ्यूजन की वजह से होता है, डिफ्यूजन किसका होता है, ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स, डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसेंट्रेशन रीजन, यही होता है ना, एक होता है डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से, एक होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से। और लेकिन उसके पहले इंजेक्शन आता है, पहले इंजेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इंजेक्शन आएगा, तो यानी कि ये जो एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन दिया है तो गलत है, ड्रिफ्ट तो होता ही नहीं है, इंजेक्शन
एंड सब्सिक्वेंट ड्रिफ्ट, ये भी नहीं होगा, ये इसका ए ऑप्शन होगा, इंजेक्शन एंड सब्सिक्वेंट डिफ्यूजन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ऑप्टिकल पावर इंसिडेंट ऑन ए फोटोडायोड इज 10 माइक्रोवॉट, ऑप्टिकल पावर आपकी कितनी है 10 माइक्रोवॉट है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है 0.8 एम्पियर पर वॉट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, द रेशियो ऑफ द फोटो करंट टू द ऑप्टिकल पावर जो होती है, दैट मींस एम्पियर पर वॉट्स में होती है। अब ये कह रहा है फोटो करंट जनरेटेड इन माइक्रो एम्पियर, दैट मींस मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आर इज इक्वल टू आई पी बाय पी नॉट। आई पी क्या है, फोटो करंट है, पी नॉट इज द इंसिडेंट पावर। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, दिस आई पी इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ पी नॉट, तो यानी कि आर टाइम्स ऑफ पी नॉट है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.8 इनटू पी नॉट की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोवॉट, सीधी सी बात है, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइक्रो एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन हो गया ना ये, तो ये 8 माइक्रो एम्पियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, इन अ फिगर अज्यूम दैट द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप्स ऑफ द पीएन डायोड D1 एंड शॉटकी डायोड D2। देखिए ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है, ये 0.7 वोल्ट है इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, और ये शॉटकी डायोड है, ये शॉटकी डायोड होता है, ठीक है, ये शॉटकी डायोड है, ये आपका नॉर्मल डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है 0.3 वोल्ट है। इफ ऑन डिनोट्स द कंडक्टिंग स्टेट एंड ऑफ डिनोट्स द नॉन कंडक्टिंग स्टेट ऑफ द डायोड, तो हमें ये पता लगाना है कि D1 D2 की स्टेट्स क्या है। सीधी सी बात है, अगर हम मान लें लेट कि डायोड आपका ऑफ है D1 और D2 आपका ऑन है, अभी मैं कैसे कह रही हूँ, देखिए सीधी सी बात है, इसमें जब आपका जो कट इन वोल्टेज है, एज द कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड D2, ओके, इट इज लेस देन द कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड D1, दैट मींस इट इज 0.3 वोल्ट एंड इट इज लेस देन 0.7 वोल्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब इट शुड स्टार्ट, इसका मतलब जो डायोड D2 था ये पहले ही इसने कंडक्शन स्टार्ट कर दिया ना, इट शुड स्टार्ट कंडक्टिंग अर्लियर, क्योंकि सीधी सी बात है जब आप इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 0.3 तो इधर आएगा, 0.7 इधर आएगा, तो अगर 0.3 इसका कटिंग वोल्टेज, तो 0.3 पे ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ऑन होना, तो D2 शुड स्टार्ट कंडक्शन अर्लियर। तो हमने क्या कर लिया कि हमने मान लिया कि D1 ऑफ है और D2 ऑन है। अब हम इसमें KVL लगाएंगे, जब हम इसमें KVL लगाएंगे, पहले तो आप सर्किट देखिए, सर्किट कैसे बनेगा, सर्किट ऐसे बनेगा कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1K, यहाँ पे मैंने इसको ओपन सर्किट कर दिया, यहाँ पे 20K हो गया, और यहाँ पे मैंने इसका केवल बैटरी वोल्टेज, इसकी जो कट इन वोल्टेज थी 0.3 वोल्ट लगा दी, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 10 वोल्ट, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने मोल लिया कि ये प्लस माइनस VD1 है, और यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब आप इसमें KVL जब लगाएंगे, तो KVL लगा के क्या होगा, -10 प्लस आपका कितना आ जाएगा 1000 I प्लस 1 किलो ओम है ना ये, ओके, तो मैं इसको 1K I लिख लेती हूँ, क्योंकि 1K एंड 20K है ना, ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, -10 प्लस 21K भी लिख सकती हूँ ना मैं इसको, कितना लिखूंगी 1 किलो ओम है ना, दिस इज योर, लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट, 1 किलो ओम ही दिया है ना ये, ओके 1 किलो ओम है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये अगर मैं इसको 1000 में ही कन्वर्ट कर दूँ, आई कितना है, रुकिए 1K I प्लस 20K I, ठीक है, एंड प्लस 0.3, यही हो जाएगा ना, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस 10 प्लस 21 किलो ओम इंटू आई प्लस 0.3 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई इज इक्वल टू 10 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 21K, यही तो होना चाहिए 21K। मुझे लगता है क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्वेश्चन में ये जो है ये 1 किलो ओम अगर ये है, अगर ये 1 किलो ओम है तो ये 20 ओम्स होगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी आप करेक्शन कर लीजिए, इट शुड बी 20 ओम्स, क्योंकि जब ये 20 ओम्स होगा तो ये आपका ऑलरेडी जो है, रुकिए लेट मी, क्वेश्चन एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना, बुक्स में क्वेश्चन भी गलत देते हैं और आंसर उस हिसाब से मैच नहीं होता, मैं तभी कहूँ कि आंसर मेरा मैच क्यों नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1000 I प्लस 20 I हो जाएगा, 1020 I नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1020, ठीक है। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 0.3 इज हाउ मच 9.7, तो 9.7 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 1020, तो ये नियर अबाउट, मैं अगर 1020 को 1000 भी ले लूँ
तो ये करीबन ये 9.5 मिली एम्पियर, मैं इसको अगर करूं तो ये इस तरह से आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, वी कैलकुलेट VD1, लेट मी चेंज द मार्कर, नाउ वी कैलकुलेट VD1। VD1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए VD1 कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए यहाँ पे किसी भी लूप में आप जा सकते हैं, आपके पास जो ये करंट आ रही है, ये करंट की वैल्यू दी हुई है ना, तो आप या तो इसमें इस यहाँ पे अगर लगाते हैं KVL तो ये हो जाएगा माइनस VD1 प्लस 20 इंटू आई प्लस 0.3 इक्वल टू जीरो। सो VD1 इज इक्वल टू 20 I प्लस 0.3 एंड I इज हाउ मच 9.5 मिली एम्पियर प्लस 0.3, यही होगा ना। अब आप इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा ये, 25 जा 10, 29 जा 18, ठीक है ये कैंसिल होके 19 into 10 की पावर माइनस 3, दैट मीन्स 19 into 10 की पावर माइनस 2 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा कुछ 0.19 एंड प्लस 0.3, तो ये कुछ 0.49 आ रहा है, यानी कि इट विल बी अराउंड 0.49, ये कितना है सॉरी 0.49 वोल्ट, और 0.5 लिख सकती हूँ। तो जो आपका VD1 है वो कितना है, VD1 इज 0.5 वोल्ट, दैट मीन्स अगेन दिस VD1 इज लेस देन 0.7 वोल्ट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज ऑफ डायोड D1, तो इसीलिए D1 जो होगा ये आपका ऑफ ही होगा, ठीक है, एंड आवर अजम्पशन इज करेक्ट, तो इसीलिए आपका D1 ऑफ होगा और D2 ऑन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर एन एब्रप्ट पीएन जंक्शन शोन इन द फिगर, द डिप्लीशन रीजन विड्थ ऑन द एन साइड ऑफ जंक्शन दिया है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन दी है, एट द जंक्शन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पीक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इसने। देखिए इस क्वेश्चन में फॉर एब्रप्ट पी प्लस एन जंक्शन, इस केस में आप देखिए हमें ई मैक्स दिया है, इसने बोला है ना एट द जंक्शन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पीक इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सी सीधी सी बात है आपको फॉर्मूला पता है कि एन ए डब्ल्यू पी इज इक्वल टू एन डी डब्ल्यू एन, डब्ल्यू पी डब्ल्यू एन आज द आर द डिप्लीशन विड्थ, ये डिप्लीशन विड्थ है क्रॉस पी एंड एन रीजन, ठीक है। मैं अब यहाँ पे आप देखिए एन ए इज वेरी मच ग्रेटर देन एन डी, क्यों है, क्योंकि पी प्लस एन रीजन इज गिवन, पी प्लस मतलब हैवली डूब्ड होता है, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं जो ND है, then it will be nearly equivalent to WP, ठीक है, आप कह सकते हैं, और N अगर ये इस तरीके से है, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो NA है, it is nearly equivalent to WN, ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में आप ये बोल सकते हैं, जैसे अभी तो आप इसको ऐसे ही मान लिए कि जो विड्थ है आपकी, टोटल जो विड्थ है, it is nearly equivalent to X, कैसे? देखिए xn आपको कितना दिया है 0.2 माइक्रोमीटर एंड आपको xp तो दिया नहीं है, है ना, आपको xn दिया है, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जंक्शन में, देखिए यहाँ पे दिया है nd दिया है, e max कितना होता है, दिस इज इक्वल टू qnd xn डिवाइडेड बाय एप्साइलन s हो जाता है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए इसकी वैल्यू रखिए जरा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, ND कितना दिया 10⁻¹⁶ पर सेंटीमीटर क्यूब, इनटू एक्स विड्थ कितनी दी है 0.2 हाउ मच माइक्रोमीटर, तो 0.2 माइक्रोमीटर दिया है ना, तो आप इसको 0.2 × 10⁻¹⁹ माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर एंड 10⁻⁶ इनटू 10 स्क्वायर, दैट मींस 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो ये माइनस ये सेंटीमीटर में हम निकाल रहे हैं। एप्साइलन एस आपको कितना दिया है 1.044, मैं यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ 1.044 × 10⁻¹² फराड पर सेंटीमीटर। अब आप इसको जरा सॉल्व कीजिए, बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कुछ आएगा 30.65 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। केवल इसमें आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए टेम्परेचर दिया है, इसका कोई यूज नहीं है, डिप्लीशन विथ रीजन एक्सन दिया है, ऑन द एन साइड ऑफ जंक्शन 0.2 माइक्रोमीटर एंड परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन दिया है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर P प्लस एन रीजन है तभी एन ए ग्रेटर देन एन डी किया है, ये एक्सन दिया है और हमें बस यही बोल देंगे कि जो टोटल विड्थ है फिर एक्सन के इक्वल ही लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायोड इन द सर्किट शोन हैज वी ऑन इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट बट इज आइडियल अदरवाइज इफ वी इनपुट इज इतना द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ वी नॉट इज। देखिए इस क्वेश्चन में सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, फॉर
पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वी इनपुट है, लूप ऐसे जाएगा, जब ये लूप ऐसे जाएगा तो ये डायोड जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और यहाँ पे ये 0.7 वोल्ट लग जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व, टू आई प्लस 0.7 ये हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, तो ये वी इनपुट इज इक्वल टू 2 के आई प्लस 0.7 हो जाएगा, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पे प्लस 2 वोल्ट भी था, दिस इज जीरो, प्लस 2 हो जाएगा। जरा आप इसको सॉल्व कीजिए, आई इज इक्वल टू हाउ मच, वी इनपुट माइनस 2.7 डिवाइड बाई 2 के, यही मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं मिली एम्पियर लिख सकती हूँ। अब आप यहाँ पे सेकेंड लूप में इक्वेशन लगाइए, इधर आउटपुट साइड में लगाइए, तो क्या होगा, माइनस वी नॉट प्लस 1 के इंटू आई प्लस 0.7 प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू आई प्लस 2.7, अगेन यही आएगा ना, यही आएगा। अब आप इसमें क्या करिए, V output is equal to I की value यहां से यहां पे shift कर दीजिए, तो V output is equal to V input minus 2.7 by ये कितना हो जाएगा 2K, ठीक है 2K and plus ये कितना हो जाएगा इधर 2.7। अब इसको solve ही तो करना है, यहाँ पे जो V input है, यहाँ हम maximum V input maximum लेंगे, 5 sin omega t दिया है, तो मैं यहाँ पे इसको 5 लूंगी, तो ये हो जाएगा 5 minus 2.7 divided by 2 एंड प्लस 2.7, ठीक है। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2.7 इज हाउ मच 0.3 एंड 2.3, 2.3 बाय 2 प्लस 2.7, 2 वन जा 2 एंड ये कितना हो जाएगा 2 वन जा 2, तो इतना ही आएगा ना, ये 0.115 30, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.115, दैट मींस इसको प्लस करेंगे तो ये कुछ आएगा 2.8, ये कुछ आएगा, नहीं नहीं ये 2.815 समथिंग आ रहा है, क्या कहीं कुछ गड़बड़ है, रुको देखिए, मुझसे भी गड़बड़ हो जाती है, आप लोग अपना कैलकुलेटर निकालिए, इसका आंसर ये नहीं आएगा। ये देखिए, ये जो है ना, इसमें इस चीज में, इसमें हम ऐसे करते हैं ना, ये जैसे 5 माइनस 2.7 है, तो 5.0 माइनस 2.7 दैट इज ये कितना हो गया, सॉरी ये 0.3 हो गया एंड 1 के आगे 2 के आगे 3 4 2.3, तो वही तो मैंने किया था 2.3 बाय 2 प्लस 2.7, इसको आप पूरा सॉल्व कीजिए, 2.3 प्लस 5.4 डिवाइड बाय 2 एंड दिस विल कम आउट टू बी एज 0.7 एंड 7.7, इतना ही होगा ना, 7.7 बाय 2, अगेन 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। अब जब ये 3.85 हो जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए 3.84 हो गया ना, अब हम नेगेटिव साइकिल के लिए देखेंगे, फॉर नेगेटिव साइकिल क्या होगा, डायोड ऑफ हो जाएगा ना। देखिए नेगेटिव साइकिल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे अभी तो हमने पॉजिटिव के लिए किया था, नेगेटिव साइकिल के केस में मैं कैसे करूंगी, देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये नेगेटिव साइकिल मतलब ये नेगेटिव साइकिल है, जब ये यहाँ से जाएगा तो ये N है, ये P है, ये तो रिवर्स बायस हो गया ना, इट विल बी ऑफ, दिस डायोड विल बी ऑफ, इसीलिए जब ये ऐसे आप इसको करेंगे, ये 1K हो गया, ये बिल्कुल ओपन सर्किट हो गया, ये भी 1K है, ये भी 1K है, और यहाँ पे ये वैल्यू 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वी आउटपुट हो गया ना, मैं अगर मार्कर भी चेंज करूँ तो ये वाला वी आउटपुट हो गया। जब ये वी आउटपुट हो जाएगा तो इस केस में आप देखिए, ये वी इनपुट है तो ये तो सर्किट बेकार ही हो गया, ठीक है, तो क्योंकि ये ब्रेक हो गया यहाँ से, तो वी आउटपुट विल बी इक्वल टू माइनस वी आउटपुट, अगर मैं लूप लगाऊं, प्लस वी इनपुट इक्वल टू जीरो, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये आपका नियर अबाउट, ये मिनिमम आएगा, यानी कि इस केस में ये मिनिमम होगा, वी आउटपुट मिनिमम इज इक्वल टू वी इनपुट मिनिमम इज इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, इसने क्या पूछा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम वैल्यू रिवर्स बायस के केस में आएगी, ऑफ में आएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो फॉरवर्ड बायस में आएगी, तो सी ऑप्शन होगा, आप खुद ही देख लीजिए, ये दोनों तो किसी केस में नहीं होंगे, माइनस 5 अगर आएगा भी तो ये माइनस 5 किस केस में आएगा, तब ये वैल्यू जो इतनी थी ये ऐसे जाएगी ना नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो पीक वोल्टेज यहां से आएगा, तो इसीलिए ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन था वो, एक बच्चे ने किया है, रुकिए क्या क्वेश्चन था, लेट मी सी, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, मैच द फॉलोइंग,
देखिए बीजेटी, बीजेटी का क्या ऑप्शन होगा? कोई आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन लिख दिया करो, बीजेटी में ही अर्ली इफेक्ट होता है ना। थर्ड, मॉस कैपेसिटर में फ्लैट बैंड वोल्टेज होता है। फोर्थ, लेजर डायोड में पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। वन, मॉस कैपेसिटर में फ्लैट बैंड वोल्टेज है। फोर्थ, एंड जेफेट में क्या होता है? पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि टू, 3, 4, 1, 2, कहां पर है ये? सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। न्यूमेरिकल बेस्ड मैं कराती हूँ ताकि, क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।